अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कल मैंने आप से जिक्र किया था कि हम अपनी 200th वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, 200, और मैं चाह रही हूँ कि ये जो चंद दिन हैं उसमें मैं अपनी जो सेल्फ पब्लिश किताबें हैं जाल पब्लिकेशंस के ज़रिए उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। तो इस किताब को मैं आज इस पर तो नहीं बात कर सकती, लेकिन मैं दिखाना चाह रही हूँ ये किताब जो है कराची वाला, अ सब कॉन्टिनेंट विद इन अ सिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि कराची में पूरे मुल्क से लोग आते हैं और दूसरे मुल्कों के भी लोग कराची में रहते हैं। तो मैं घर घर जाके कोई 60-64 लोगों से मिली, गरीब अमीर हर तबके से, मुख्तलिफ बिरादरियाँ, उनकी मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ मज़ाहिब। तो मैं चाह रही थी कि मैं उनके जो रहने सहने का तरीक़ा है, उनके जो रस्म व रिवाज हैं, उनके मुख्तलिफ खाने हैं, लिबास है, तो उनको मैं डॉक्यूमेंट करूं। तो इस काम में मुझे तकरीबन 2 साल लगे थे। बहरहाल, तो ये किताबें, फिर मैंने सोचा कि जो लोग सड़कों पे काम करते हैं, है ना, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि कितने पेशे ऐसे हैं जो सड़कों पर होते हैं, तो मैं क्यों ना उनसे भी बात करूँ। मैं घरों में तो गई, अब मैं सड़कों पर जाके और उनको मैं पूछती हूँ, अगर वो इस बात की इजाज़त देंगे कि मैं उनका इंटरव्यू भी करूँ और उनकी तस्वीरें भी खींचूँ और फिर किताब बने, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहली वाली जो कराची वाला जो किताब है। तो ये किताब जो है इसका नाम है स्ट्रीट स्मार्ट, और ये दोनों किताबें हमारी जो बेटी है, जो वैसे तो आर्किटेक्ट है लेकिन उसने डिज़ाइन किया है इनको। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, बहुत आम बात है, आपने देखा होगा कि अगर सब्ज़ी वाला है तो वो भी रेड़ी लेकर, या जिस तरह ये ऐश मोहम्मद के पास गधा गाड़ी है। तो अब यहाँ मैं चंद महीनों से अमेरिका में हूँ और यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है, और इस तरह के जो सारे पेशे हैं वो सड़कों पर नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ ये आम बात है, है ना। तो मैं ट्रैफिक पुलिस वाले से भी मिली, ये हैं, क्योंकि इन सब के बारे में जब हम इनसे बात करते हैं तो तभी हमें मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और वो जो रात दिन सड़क पर काम करते हैं, गर्मी सर्दी जो भी हो उसको बर्दाश्त करते हैं, तो कितना मुश्किल है, क्या कमाते हैं, घर में कितने लोग हैं, कहाँ से ये आते हैं, कहाँ वापस जाते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ ये भी आपने देखा होगा कि तेल बाज तेल ऐसे हैं जो इस तरह से ये निकाले जाते हैं, ये देखिए। तो मैं इनसे मिली, अब इनके पास मुख्तलिफ रोगन थे, बादाम से लेकर और जैतून और सरसों और अखरोट और अजवाइन और मेथी और पता नहीं क्या क्या। गोला गंडा खाना अच्छा लगता है ना आपको, मुझे भी बहुत पसंद है, तो ये देखिए मैं मिलवाती हूँ इनसे, ठीक है। और इनका नाम है अफजल खान। फिर मैं मिली एक, हाँ ये बता दूं कि इस किताब में भी इत्तेफाक़ से उतने ही लोग शामिल हैं जितना जितने मेरी पहली किताब में थे, तो 64 उसमें और 64 इसमें भी। तो ये जो हैं कलई वाले अहमद बख्श, इनको बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा, इसलिए कि जैसे जैसे हमारे रहने सहने का तरीक़ा बदला है इतने सालों में, लाइफस्टाइल बदले हैं, तो अब हम ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाते या पकाते जो पीतल या तांबे या उस तरह की धातुओं से बने हों। जब ये कलई वाले का काम होता था कि वो आकर घर घर, और ये नज़र आ रहे हैं, हाँ, तो इन बर्तनों को चमकाएं, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैं जो इनको बुलाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं जहाँ पे ये जाते हैं। अच्छा, ये हैं अली नवाज़ जो सड़क पर बेचते हैं,
जैसी उनके सर पे टोपी है तो वो टोपियाँ बेचते हैं, और आपको मालूम है ये हाथ से बनी हुई टोपियाँ होती हैं और इन में कढ़ाई की हुई होती है और शीशे लगे हुए होते हैं। कितने खुशबाश हैं, देखिए ये देखिए, है ना। तो बहुत सारे मैं कुछ चंद एक की तस्वीरें दिखाती हूँ, लेकिन इसमें गन्ने का रस बेचने वाले हैं, इसमें ट्रैफिक को जो कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बल्कि जो पार्किंग करवाते हैं वार्डन वो हैं, इसमें ये हैं जो खाना बेचते हैं, फिर जो ये हमारे कवर पे जो साहब हैं असलम शिराजी, मैं उनसे भी मिली और उनसे पूछा कि आप ये जो तोतों से फाल, अपने तोते से फाल निकलवाते हैं तो उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने फिर उसके बारे में बताया। जाहिर है कि ये तो दिल को खुश करने वाली चीज़ होती है कि वो लोगों से कहते हैं कि भाई हाँ तुम्हें नौकरी मिल जाएगी या तुम्हारे घर में ये खुशी आएगी या वैसा होगा। असल में तोता तो नहीं बता सकता है ना, हम सबको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा कि इनकी तरह ये जो बाबू हैं, कुछ लोग परिंदों को कैद करते हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और फिर कहते हैं कि हाँ अब आप पैसे दें और इनको उड़ाएं, और फिर वो पकड़ लेते हैं परिंदों को। तो ये भी एक पेशा है। बहरहाल 14 अगस्त के से कुछ अर्सा पहले झंडे मिलते हैं, है ना, पाकिस्तान के। तो इन खातून से मैं मिली जो हर साल नज़र आती हैं कि झंडे बेचती हैं, तो फिर मुझे पूछना था कि बाकी साल क्या करती हैं वो। सही। तो और चाय बनाने वाले, चाय आपको पता है हर कोई हमारे यहाँ चाय का शौकीन है, चाय पीता है। तो ये जो हैं बशीर रहमान, ये चाय बेचते हैं, और इनके साथ इनका ये जो छोटा है वो भी मुख्तलिफ दुकानों में और मुख्तलिफ ऑफिसेज में ये चाय पहुंचाते हैं, ये सदर में। अच्छा, गाड़ी साफ करने वाले हैं और गमले बेचने वाले हैं घर घर जाके, और पान बेचने वाले हैं, और फूड डिलीवरीज हैं। तो कुछ पेशे ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहले नहीं होते थे। मसलन पोस्टमैन का भी मैंने किया, पोस्टमैन तो बरसों से है, लेकिन जो कुरियर सर्विस है मसलन वो पहले नहीं होती थी। इसी तरह पहले फूड डिलीवरीज नहीं होती थी जो अब होती हैं। ये चाबी बनाने वाले साहब हैं। और तो महारत, कुछ पेशे ऐसे हैं जो जिनमें महारत चाहिए, कुछ पेशे ऐसे हैं जो इनके बाप दादा के ज़माने से चले आ रहे हैं, तो वो भी ये पेशा इख्तियार किए हुए हैं। ये जिसको हम कराची में विक्टोरिया कहते हैं, घोड़ा गाड़ी, तो ये अब ज़्यादातर इस्तेमाल होती है बच्चों को, जिन मोहल्लों में ये चलती है, तो बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए। दूध वाला है ना, पहले साइकिल होती थी, अब मोटरसाइकिल पे दूध वाला होता है, मोची होता है, ड्राइवर है, ये पापड़ बेचने वाली खातून हैं, ये देखिए नज़र आ रही है, हाँ। तो बहुत सारे, कोई 64 इसमें मौजूद हैं पेशे। सड़कों को जो खोदते हैं, मजदूर हैं वो हैं इसमें, ढोलक बजाने वाले हैं, जो तमाशा दिखाते हैं सांप का या बंदर का वो हैं इसमें। फिर ये कुम्हारन, मेरी बहुत पसंदीदा ये खातून जो हैं मरियम बीबी, जिनसे मैंने बात की, और इनकी उम्र देखिए, और ये भी काम करती हैं, और बहुत मज़ा आया था। ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि उनको भी अच्छा लगा। मैंने बताया था कि मैं आपकी तस्वीर लूँगी, आपके बारे में लिखूँगी, किताब बनेगी, और फिर मैंने कुछ लोगों को दोबारा ढूँढ कर और उनको ये किताब दी भी थी। ठीक है, अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज़।